ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आप सभी महिलाएं या आपके घर में आटा तो रोज गूंथते होंगे और आटे की रोटी बनाते होंगे। किसी घर में जावार की रोटी, किसी में गेहूं की रोटी और ज़्यादातर भारत के घरों में गेहूँ की रोटी बनाई जाती है। तो आटा गूंथते वक्त कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपके घर पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और उसके बारे में आप जितना सोचोगे वो सब कुछ कम है। क्योंकि ये जो उपाय है ये राहु से जुड़ा हुआ है, यही उपाय शुक्र से जुड़ा हुआ है, यही उपाय बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। जब तीनों ग्रहों से जुड़ा हुआ कोई उपाय अगर आप नियमित अपने आटा गूंथते वक्त सुबह और शाम कोई एक वक्त अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले 1 महीने 15 दिन में आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियाँ चल रही है, खासकर धन को लेकर, उन सभी में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। वो कौन सा है मैं स्टूडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे मूल बात है कि नियमित जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें जो पहली रोटी वो माँ गाय के लिए ज़रूर निकालें। दूसरा प्रयोग आपको जो करना है कि आटा गूंथने के बाद जब गूंथें तो उसमें हल्दी और नमक दोनों डालें। हल्दी बृहस्पति का परिचायक है और हल्दी माँ लक्ष्मी को विशेषकर बहुत प्रिय है। तो जब आप हल्दी डालेंगे तो आपको देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपके घर में, आपके परिवार में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और धीरे 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 माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर होती हुई नजर आएगी। यह प्रयोग जिन जातकों ने किया उन्हें बहुत फायदा मिला, आप भी करेंगे आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो।